हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आई एम फार्मासिस्ट तैयब। आप देख रहे हैं फार्मास्यूटिक वन लेक्चर सीरीज, जिसके सब हेडिंग इसमें हम जनरल फार्मास्यूटिक फिजिकल डिस्पेंसिंग बी कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बी कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। पार्ट वन का ये है, टू पार्ट होते हैं बी कैटेगरी के। पार्ट वन में लेक्चर नंबर अप 12 देख रहे हैं, TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में हम क्या क्या चीज देखेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंपोनेंट देखेंगे, लेबलिंग और पैकेजिंग देखेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। ये चार मेन हमारे साथ हेडिंग है, इन्हीं पे जो है हमारा पूरा टॉपिक जो है वो घूमेगा और इसी को हम डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ फार्मासिस्ट भी देखेंगे एंड पे। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो टोटल इसके और भी नाम है, TPN एक तो हो गया ना, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। दूसरा नाम है पेरेंटल हाइपर एलिमेंटेशन न्यूट्रिशन, या पेरेंट्रल न्यूट्रिशन भी कहते थे, PN। तो इस साइड में मैंने दिखाया है, एक तरफ आपको टाइप्स दिखाई हैं TPN की, अमाइनो एसिड वो बैग पोली बैग के अंदर पैक किया हुआ, और लिपिड जो है वो ग्लास बॉटल के अंदर पैक किया हुआ है। नीचे मैंने आपको ट्यूबिंग उसकी दिखाई है जो स्पेशल फिल्टर के साथ, यानी कि ट्यूबिंग है ताकि कोई भी पार्टिकल्स वगैरह जो है वो आगे ना जा सकें, प्योर जो है डिजॉल्व सब्सटेंस जो है ब्लड के अंदर, क्योंकि हम डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई दे रहे होते हैं ना इसको। अब इसकी डेफिनेशन क्या है जी, इट इज अ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ एडमिनिस्टर करने का मेथड है। क्या कुछ वो है जी, बेसिक न्यूट्रिएंट्स टू अचीव द एक्टिव टिश्यू सिंथेसिस एंड ग्रोथ वाया पेरेंटल रूट। यानी जब कोई बंदा ओरल रूट इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी मुंह के जरिए वो खा पी नहीं सकता, जैसे मिसाल देता हूँ आपको, कोमा में चला गया पेशेंट। अब जब कोमा में वो पेशेंट चला गया है तो होगा क्या कि वो जो कोमा पेशेंट है वो, यानी हम मुंह से तो उसको खाना खिला नहीं सकते, लेकिन अगर उसकी कोमा क्यों गया हो सकता तो उसको बहुत ज्यादा चोट लगी हो पूरी बॉडी पे, या कोई और वजह हुई हो, ब्रेन हेमरेज हुआ हो, कुछ भी हुआ हो। अब कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन तो उसकी बॉडी के अंदर है ना कुछ इंजरी है, उसकी रिकवरी के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको जिंदा रहने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अब ओरल रूट वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो क्या होता है, हम फिर TPN देते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि वेन के थ्रू हम जो है वो खुराक पहुंचाते हैं डिजॉल्व सब्सटेंस की शक्ल में, अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन शक्ल के अंदर जो है ना वो हम डिजॉल्व सब्सटेंस जो है वो उसके वेन के अंदर लगा देते हैं ब्लड, जो कि क्या करते हैं वो एक तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी उसकी बॉडी को जिंदा रहने के लिए, या जो चोट्स वगैरह है, इन्फेक्शन है, उसको सही करने के लिए चाहिए होती है, और पेरेंटल रूट्स यानी वेन के जरिए हम लगाते हैं। अब ये होता क्या है कि इसको कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है कि लॉन्ग टर्म IV फीडिंग ऑफ प्रोटीन सोल्यूशन, जैसे हमारे पास ये लॉन्ग टर्म IV फीडिंग होती है, लंबे अरसे तक हम पूरी पूरी बॉटल लगा देते हैं और फीडिंग के अंदर प्रोटीन सॉल्यूशन होता है, उस प्रोटीन सॉल्यूशन में क्या क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज होता है, तकरीबन 20% तक डेक्सट्रोज डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं उसके अंदर, विटामिन्स डालते हैं और पेशेंट के नेचर के हिसाब से उसके अंदर इंसुलिन भी डालते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड अमाउंट वेरी विद द पेशेंट नीड, कि जिस पेशेंट को जितना ज्यादा अमाइनो एसिड चाहिए उसको उतने ज्यादा अमाइनो एसिड, जिसको डेक्सट्रोज ज्यादा जिसको डेक्सट्रोज ज्यादा दे, जिसको प्रोटीन ज्यादा चाहिए उसको प्रोटीन, जिसको विटामिन ज्यादा चाहिए उसको विटामिन। तो एक जनरल कंपोजिशन तो मैंने आपको बता दी कि एक जो है जनरल TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है, लेकिन वो कितनी मिकदार में डालनी है या नहीं डालनी वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट पे, पेशेंट को कितना ज्यादा चाहिए कम चाहिए। अब इसकी एक और डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं TPN की, अब फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डेट इज डिलीवर्ड इन टू वेन, कि ये खुराक की ऐसी शक्ल है जो हम वेन के जरिए देते हैं। कंपोनेंट्स अभी डिटेल में देखते हैं, वाटर होता है, दूसरे नंबर पर प्रोटीन सोर्स है। प्रोटीन सोर्स क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो जो हमारे जिस्म में जख्म है उनकी हीलिंग स्लो हो जाएगी, तो हीलिंग जब स्लो होगी तो फिर रिकवरी बड़ी स्लो हो जाएगी, तो हमें नॉर्मल बॉडी कंटेंट यानी नॉर्मल नाइट्रोजन बॉडी कंटेंट मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको अमाइनो एसिड देंगे। अब अमाइनो एसिड अंदर टूट के क्या देंगे, नाइट्रोजन देंगे, तो TPN के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन सोर्स के तौर पे हम अमाइनो एसिड्स डालते हैं। एनर्जी सोर्स की अगर बात करें कि बॉडी के हर सेल ने काम करना है, चाहे वो बिस्तर में पड़ा हुआ है, बेहोश है कई दिनों से, लेकिन उसके बॉडी के सेल तो काम कर रहे हैं ना, कोई सेल टूट फूट रहा है, कोई सेल नए बन रहे हैं, किसी सेल की रिकवरी हो रही है, हार्ट चल रहा है, दिमाग चल रहा है, लीवर चल रहा है, हर चीज चल रही है, एनर्जी चाहिए। तो वो क्या हम एनर्जी सोर्स TPN कौन से, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दो सोर्स है एनर्जी सोर्स, कार्बोहाइड्रेट फैट उसमें डालते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास डेक्सट्रोज होता है, 5 से लेकर 70% तक हम वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, अगर इसे लार्ज क्वांटिटी में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर साथ में हम इंसुलिन भी देते हैं,
इंसुलिन इसलिए देते हैं क्योंकि अगर हम डेक्सट्रोज लार्ज अमाउंट में देते हैं तो इतना लार्ज अमाउंट में बॉडी अपटेक जो सेल अपटेक नहीं कर सकते, तो हम इंसुलिन भी ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सेल ज्यादा से ज्यादा डेक्सट्रोज को अपटेट हो, यानी आप वेन के अंदर चला गया ना, खून के अंदर सारा टीपीएन जा रहा, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जा रहा, उसमें एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट फैट भी है, डेक्सट्रोज है जैसे मिसाल कार्बोहाइड्रेट की जगह पे, तब डेक्सट्रोज ज्यादा है, सेल एक हद तक उसको अपने अंदर ले सकता है, तो ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा होने की वजह से उसको अपटेक जो है वो इंसुलिन हम देंगे, तो इंसुलिन की मौजूदगी में वो ज्यादा से ज्यादा अपटेक सेल कर लेगा। नेक्स्ट हमारे को फैट है, फैट की अगर बात करें तो फैट जो है वो वाटर इन ऑयल इमल्शन की शक्ल में दिया जाता है, ऑयल इन वाटर इमल्शन की। अगर नेक्स्ट फैट की बात करें तो फैट किस तरह एडमिनिस्टर किया जाता है, ऑयल इन वाटर इमल्शन की शक्ल में, और इसके अंदर हाई जो है कैलोरी सोर्स होता है लो वाले में, यानी ML चंद ML जो है, मिसाल कार्बोहाइड्रेट या किसी दूसरे के साथ हम कंपेयर करेंगे ना कि हमने इतना डेक्सट्रोज दिया और इतना फैट दिया, तो फैट वॉल्यूम में कम होगा लेकिन एनर्जी पावर में ज्यादा होगा, ज्यादा ताकत देगा बॉडी को। नेक्स्ट कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइट, हम सोडियम भी डालते हैं, पोटेशियम भी डालते हैं, मैग्नीशियम भी डालते हैं, क्लोराइड भी, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सारे के सारे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो के नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए चाहिए होते हैं। उसके अलावा ट्रेस एलिमेंट भी डालते हैं, क्योंकि देखें हमारे बॉडी के अंदर जो है वो रिएक्शन हो रहे हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं, तो रिएक्शन कौन करवा रहा है, एंजाइम करवा रहा है, एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, जो एंजाइम को स्टार्ट करवाते हैं, एंजाइम का फंक्शन कैरी आउट करवाते हैं, तो वो जो मेटाबॉलिकल कोफैक्टर्स हैं, एसेंशियल मेटाबॉलिकल कोफैक्टर्स बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होते हैं, उनको कहते हैं ट्रेस एलिमेंट, उसमें जिंक है, कॉपर है, मैगनीज है, तो ये सारे के सारे भी हम डालते हैं इसके अंदर, टीपीएन के अंदर। विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो फैट सोलबल भी होते हैं, वाटर सोलबल भी होते हैं, असेंशियल दे एक्ट एज अ कोएंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस के लिए भी ये चीजें चाहिए होती हैं, और एज ए कोएंजाइम, कोएंजाइम क्या होता है, एंजाइम के जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोएंजाइम साथ हेल्प देता है। तो अगर आप कंपोनेंट को गौर से देखें तो हम बॉडी की मुकम्मल जो एक बॉडी की डिमांड होती है उसकी सेल फंक्शनिंग से लेके पूरी बॉडी की फंक्शनिंग तक, यानी सेल टिश्यू ऑर्गेनिज्म लेवल तक फंक्शनिंग के लिए जो सारी चीजें चाहिए होती है वो सारी की सारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस टीपीएन के अंदर। भाई यार ये को फैक्टर चाहिए एंजाइम को लाने के लिए, ये जो को एंजाइम चाहिए इसको करने के लिए, ये जो हाई हाई एनर्जी सोर्स फैट दे दो, ये जो ग्लूकोज के लिए या कार्बोहाइड्रेट दे दो, डेक्सट्रोज दे दो, विटामिन और मिनरल्स दे दें, ट्रेस एलिमेंट ऐड करें, तो ये सारी की सारी चीजें हम क्यों, यानी कंप्लीट सेट है न्यूट्रिशन का जो कि हम किसी भी ऐसे बंदे को देते हैं जो ओरली नहीं ले सकता। अब थोड़ी सी अगर आप रेशियो याद करना चाहें कि कौन सी नॉर्मल रेंज होती है, वाटर जो है अडल्ट के अंदर वो होता है 30-40 ml पर kg पर डे, यानी एक दिन के अंदर 30-40 ml पर केजी के साथ, 70 kg मल्टीप्लाई बाय 70 कर दें। अब चिल्ड्रन के अंदर 30-40, चिल्ड्रन के अंदर भी सेम रेशियो है, वजन वजन के हिसाब से हम बनाएंगे ना, मिसाल 5 किलो का बच्चा है तो 30 × 5 पाँच ये 15, 150 ml टोटल पानी चाहिए उस बच्चे को एक दिन के लिए। एनर्जी की अगर बात करें तो टोटल कैलोरीज हम जो भी हम दे रहे हैं ना, फैट अमाइनो एसिड उन सब की कैलोरीज काउंट करते हैं, तो एनर्जी टोटल जो एनर्जी चाहिए वो 30-60 kcal पर केजी पर डे। अब ये भी पर केजी है, 70 kg का बंदा होगा तो जब 70 kg कर देंगे तो उतनी हमारा अमाउंट आ जाएगी। इस तरह चिल्ड्रन के अंदर सिर्फ 20 kcal पर केजी पर डे चाहिए। अमाइनो एसिड कितने देने हैं, 1 से 2 ग्राम पर केजी पर डे, और चिल्ड्रन 2.5-3.5 ग्राम पर केजी पर डे। नेक्स्ट अगर टीपीएन एचपीएन पीएन बैग्स की बात करें कि इस अब हमारे पास कंपोनेंट्स तो आ गए, अब इनको कहीं ना कहीं पैकिंग तो करनी है ना, तो उसके लिए बैग्स होते हैं। अब बैग सबसे पहले तो स्टरीलाइज होना चाहिए, क्योंकि हमने डायरेक्ट न्यूट्रिशन वेन के अंदर देनी है, यानी ब्लड के अंदर जो चीज पहुंचानी होती वो जरासीम से पाक होनी चाहिए। टैबलेट जो हम मुंह से खाते हैं ना, सीरप सस्पेंशन मुंह से हम जो चीज खाते हैं उसके अंदर कोई जरासीम वगैरह होंगे तो आगे स्टमिक में HCl है, एसिड मौजूद है स्टमिक में, वो जरासीम को मार देगा सारे का सारा। लेकिन ब्लड के अंदर जो डायरेक्ट सप्लाई देनी होती है वो वेन हो, वो आर्टरीज हो, वहां आपको स्टरीलाइज देनी, तो यहाँ हमने वेन में देनी है तो इसलिए स्टरीलाइज होनी चाहिए। और बैग पुराने जमाने में हम पॉलीविनाइल क्लोराइड के बनाते थे, आजकल हम इथाइलीन विनाइल एसीटेट के बैग बनाते हैं क्योंकि ये ज्यादा सेफ है। इसके अलावा एडिशनल कंपोनेंट क्या होते हैं, ये किस किस तरह हम जो है वो बैग के अंदर चीजें कैसे डालते हैं, सबसे पहले हम अमाइनो एसिड का सोल्यूशन डालते हैं, फिर ग्लूकोज का सोल्यूशन उस बैग के अंदर डालते हैं, फिर हम फैट का जो ऑयल एंड वाटर इमल्शन डालते हैं जितना चाहिए होगा, और फिर जो विटामिन होते हैं ना उनको हम नहीं डालते, उनको अलग से सप्लाई देते हैं। जब हम लगाने लगते होते हैं ना पेशेंट को, पूरी जो है टीपीएन की ड्रिप लगनी है,
तब हम वक्ती तौर पे उसके अंदर विटामिन डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर विटामिन फैक्ट्री के अंदर उसके अंदर डाल के हम दे दें तो वो क्या होगा, सारी चीज प्रेसिपिटेट हो जाएगी, सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो बैग के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, ऑलरेडी जो पैक बैग कंपनी से आ रहा है उसके अंदर अमीनो एसिड सोल्यूशन होता है, ग्लूकोज होता है और फैट होती है, फैट इमल्शन होता है, ऑयल इन वाटर। जो विटामिन है वो साथ में सप्लाई दीजिए, जितनी विटामिन उसमें डालनी होती है हम डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके पेशेंट को लगा देते हैं। लेबलिंग की बात करें कि हर बैग के ऊपर लेबल होना जरूरी है। मिसाल एक वार्ड के, एक हॉस्पिटल के एक वार्ड के अंदर 20 मरीज हैं, सबको जो है वो टीपीएन लगना, ये ना हो ना पहले वाले बेड का दूसरे को, दूसरे वाले पहले को। इसलिए जब जहां पे बन रहा फार्मेसी के अंदर एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए तैयार हो रही है जो चीज, उसके लिए क्या होगा, हम उसका पेशेंट का नाम लिखेंगे, फिर वार्ड नंबर लिखेंगे, फिर उसका यूनिट नंबर लिखेंगे, उसका बेड नंबर लिखेंगे, उसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या डाले जा रहे हैं। अब जारी बात है डॉक्टर ने पर्ची के ऊपर कंपोनेंट लिख के दिए हैं जिसके मुताबिक फार्मासिस्ट फार्मेसी से बना के उसके लिए भेज रहा है, तो वो कंपोनेंट भी उस बैग पर लिखेंगे ताकि अगर नाम मिट जाए, वार्ड नंबर मिट जाए, वो मिट जाए तो कंपोनेंट से पता चल सके ये बैग किसका है। फिर टोटल वॉल्यूम कितना बना रहे हैं वो भी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा होता है, वो भी देख के आपने लिख देना है टोटल इतने एमएल में बना रहा हूँ। फिर उसकी टोटल एनर्जी इससे कितनी मिलेगी, नाइट्रोजन कितने ग्राम है, इन्फ्यूजन रेट यानी कि जो आपने ड्रिप लगानी है वो किस रेट पे लगानी, मिसाल 20 कतरे 1 मिनट में जाने चाहिए, क्या होना चाहिए, कितने एमएल 1 घंटे में आप उस बॉडी के डिलीवर कर रहे हैं, एक्सपायरी डेट, स्टोरेज कंडीशन वगैरह सारा कुछ उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। पैकेजिंग जो है वो टीपीएन बैग इज सील्ड इनटू डार्क कलर आउटर प्लास्टिक बैग, उसके बाद उसके ऊपर जो है एक ब्लैक कलर का आउटर बैग आपने प्लास्टिक बैग, ताकि लाइट वगैरह की जो भी लाइट वगैरह से जो भी इफेक्ट हो वो इफेक्ट ना हो सके। आउटर जो लेबल आइडेंटिकल टू इनर इज प्लेस्ड, इसी तरह जो आउटर आपने ब्लैक ऊपर बाहर प्लास्टिक का बैग चढ़ाया उसके ऊपर ही वो सारी चीजें लिखनी जो हमने अंदर लिखी है ताकि रिकोगनाइज करना आसान हो। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन, के टीपीएन को लगाना कैसे है, बॉडी के अंदर डिलीवर कैसे करना है। सबसे पहले इसको कैथेटर के जरिए देते हैं हम, ठीक है। नंबर दो, इस सोल्यूशन को हम स्लोली एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि थोड़ा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, तो स्लोली एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन और नंबर एक स्लोली देते हैं, दूसरा लार्ज वेन पे लगाना है हमने, लार्ज वेन जैसे सुपीरियर वेना के बाद सेंट्रल वेन, ये जैसे मैंने आपको साथ में तस्वीर में सुपीरियर वेना के बाद दिखाई गई है, इसके अंदर हम ये नहीं लगाएंगे ताकि एक तो वेन बड़ी होगी, दूसरा स्लो रेट पे देंगे ताकि कंसंट्रेटेड होने की वजह से कोई रुकावट वगैरह नाली वगैरह बंद ना हो, डायरेक्ट हार्ट में जा रहा और हार्ट से फिर बॉडी पूरी बॉडी में पंप हो रहा है। सुपीरियर वेना कैवा इज एक्सेस्ड थ्रू द सबक्लेविन वेन इमीडिएटली बेनेथ द कैल्विस आर नियर द हार्ट। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये जो हमारी जो है वो सामने दो ब्रीक हड्डियां मौजूद होती है ना, कैल्विकल, ठीक है, इनके नीचे जो सब क्लेविन वेन होती है वो सब क्लेविन वेन सुपीरियर वेना कैवा के अंदर गिर रही होती है, और सुपीरियर वेना कैवा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले कैल्विस का अंदाजा लगाते हैं कि ये कैल्विस की हड्डी है, जिसे हसली की हड्डी कहते हैं, बच्चों को हसली होगी, ये दो नाजुक हड्डियां सामने मौजूद होती है, ये दिखाई भी गई है राइट और लेफ्ट के अंदर, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद इसके पीछे सब क्लेविन वेन होती है, और सब क्लेविन वेन कहां खत्म हो रही थी, सुपीरियर वेना कैवा के अंदर, तो इस तरह सुपीरियर वेना कैवा जो है वो हम फाइंड आउट कर देते हैं। अब यहां मकसद यही है, स्लो स्लो देने का मकसद, एक तो कंसंट्रेटेड है, टॉक्सिसिटी ना हो सके, और जो है कोई वेन वगैरह ब्लॉक ना हो सके। फाइनल जो कंसंट्रेशन डेक्सट्रोज होती है वो तकरीबन जो है वो 10% ज्यादा नहीं होती आम नॉर्मल रूटीन के अंदर, अगर 10% है तो फिर हम पेरिफेरी भी दे सकते हैं, यानी कि आम हाथ में जहाँ इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहां भी हम लगा सकते हैं, सिंपल छोटी वेन के अंदर भी दे सकते हैं, अगर 10% टोटल कंसंट्रेशन डेक्स, अगर हमने तो पढ़ा ना कि 70% तक भी दे सकते हैं, जब 70% तक दे सकते हैं तो फिर हमने 10% ज्यादा जाएगा तो हम फिर स्पीरी वेन के बाद यानी लार्ज वेन की तरफ चले जाएंगे। ये एब्रीवेशन कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, पहला टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, हमारे पास पीपीएन भी होता है यानी पेरिफेरी पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब यहाँ मैंने देखा दोनों आपको दिखा दिए, यानी हाथ पे जो अगर ड्रिप लगा के हम लगा रहे हैं तो वो हमारे पास है पेरिफेरी पेरेंटल न्यूट्रिशन, पीपीएन कहते हैं उसको, और एक होता है एचपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और CVTPN। अब इन सबको पढ़ते हैं कि PPN क्या होता है, पेरिफेरी पेरेंटल न्यूट्रिशन, और शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, लेस कंसंट्रेटेड होता है, जो लेस कंसंट्रेटेड होगा यानी 10% डेक्सट्रोज से कम अगर उसके अंदर टोटल मिकदार होगी डेक्सट्रोज की 10% से कम होगी, लेस कंसंट्रेटेड उसको कहेंगे, और जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, और पेरिफेरी आपको साथ में तस्वीर में दिखाया गया पेरिफेरी क्या होता है। और HPN यानी कि होम पेरेंटल न्यूट्रिशन, हम घर पे जो मिसाल लगा दें चाहे वो पेरिफेरी हो या टोटल पेरेंटल, दोनों में से जो घर लग रहा है उसका दूसरा नाम क्या होगा, एचपीएन होगा। आगे CVTPN यानी सेंट्रल वेन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, सेंट्रल वेन कौन, सुपीरियर वेना कैवा, तो यहां भी मैंने दिखाया गया सुपीरियर वेना कैवा के दरमियान जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का हाईलाइट किया गया, ये सेंट्रल वेन के थ्रू दिया जा रहा है, और ये यहाँ फिक्स हम जो है वो लगा देते हैं, यानी कि एक दफा सुपीरियर वेना कैवा के अंदर जो है वो
स्मॉल सेट हम फिट कर देते हैं, उसके बाद बाहर से बस ड्रिप चेंज करते रहते हैं हम। तो ये 2 वीक से ज्यादा अगर उस पेशेंट को हमने पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रखना, तो फिर हम इस तरह जाते हैं, और ज्यादा कंसंट्रेटेड और पेरिफेरी न्यूट्रिशन से तो फिर भी हम इस तरह चले जाते हैं। अब इंडिकेशन क्या, कब देना है? जब जीआईटी डिजीज हो, यानी मुंह नहीं चाह रहा ना, मुंह में खाना नहीं खा सकता वो, या क्यों नहीं खा सकता, या तो वो बेहोश है या फिर उसका जीआईटी खराब है। अगर मैदा ही खराब है, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन कोई मसला है, तो फिर भी वो नहीं खाना खा सकता ना, अगर खाएगा तो वोमिट हो जाएगी। तो जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक डिजीज के अंदर सबसे पहले है अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी लॉन्ग टर्म कंडीशन वेयर कलोन एंड रेक्टम बिकम इनफ्लेम, के कलोन और रेक्टम दोनों फूल जाएं, यानी जीआईटी की जो नॉर्मल है रेक्टम और कलोन, तो क्या होगा, इनफ्लेम हो जाए, उसको कहते हैं कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। उसके दौरान भी जो है वो आप खाना पीना नहीं खा सकते, तो हम क्या चले तो टीपीएन की तरफ पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे। अगर पेनक्रियाटिस हो जाए, यानी पेनक्रियाज इन्फ्लेम हो जाए, तब भी हम टीपीएन लगा देंगे। अगर मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाए, यानी कुछ भी खा रहा फौरन से वोमिट कर रहा है, कुछ भी खा रहा फौरन से वोमिट कर रहा है, मैल अब्जॉर्प्शन हो रही है, क्योंकि कुछ चीज अब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, जिसमें तक पहुंच ही नहीं रही, फिर हम टीपीएन की तरफ शिफ्ट। दूसरा है ट्रॉमा, जैसे मैंने आपको कहा ना कि कोई शॉक लगे, कोई एक्सीडेंट हो, रेप हो, नेचुरल डिजास्टर, उसने कोई जलजला देख लिया, कोई पूरी बड़ी बिल्डिंग देख लिया, तो वो खुद ही अपना जो है वो ट्रॉमा के अंदर, शॉक के अंदर चला गया, ठीक है, और जो है वो कुछ खा भी नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, फिर भी हम टीपीएन की तरफ चले जाते हैं। सिवियर बर्न, अगर बहुत ज्यादा बॉडी जल जाए, मिसाल 50%, 35, 25%, अब जले वो तो इंसान से हाथ पांव ही नहीं, खुद ही नहीं हिल रहे, तो उसने क्या खाना, तो फिर हमें और टीपीएन, और देखें जले हुए के दौरान क्या है कि सिवियर इंजरी हुई। तो मैंने आपको जब टीपीएन पढ़ा रहा था, सबसे पहले बात ये क्या की कि जहां नाइट्रोजन की जरूरत होगी, यानी जहां इंजरी होगी वहां नाइट्रोजन की जरूरत होगी, और नाइट्रोजन हम अमीनो एसिड की शक्ल में देंगे, तो टीपीएन पे शिफ्ट करेंगे उस बंदे को। अक्यूट रीनल फेलियर, अगर उसका किडनी मुकम्मल काम नहीं कर रहा, अक्यूट कहते हैं थोड़े अरसे के लिए जो बीमारी होती है उसको कहते हैं अक्यूट, तो थोड़े अरसे के लिए अगर किडनी उसकी फेल हो गई है, तो उसके लिए हम टीपीएन पे शिफ्ट कर देंगे। या एब्डोमेन सर्जरी, हम पेट का कोई ना कोई इलाज करना है, कोई जो है सर्जरी करनी है हमने पेट की, कोई चीज रिमूव करनी है, कोई चीज लगानी है, कुछ भी हमें सर्जरी करनी है पेट के रिलेटेड, तो फिर हम क्या करते हैं 72 से 110 घंटे पहले हम स्टमिक को एम्प्टी करवा लेते हैं, कि अंदर इंटेस्टाइन वगैरह स्टमिक सब कुछ खाली हो, तो उस बंदे को हम टीपीएन पे शिफ्ट कर देते हैं। भाई तूने कुछ खाना पीना नहीं है, टीपीएन तुझे लग जाएगा, तेरी बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा यूरिन आ जाएगा ना, टीपीएन लगने से क्या होगा, यूरिन आ जाएगा बस, लेकिन अंदर जो जीआईटी ट्रैक पूरा पूरा खाली होगा। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या, टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, फार्मासिस्ट क्या काम कर सकता है? फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एसेप्टिक टेक्निक्स, फार्मासिस्ट बता सकता है कि इसको स्टरीलाइज कैसे बनाना है, हमने पहले क्या कहा स्टरीलाइज होना चाहिए क्योंकि हमें डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई देनी है। हैंडलिंग, इसको कैसे हमने जो है वो फार्मेसी के अंदर बनाना है, कैसे फार्मेसी से शिफ्ट करके हॉस्पिटल वार्ड में लेके जाना है, कैसे एडमिनिस्टर करना है, उसकी बैग वगैरह को कैसे रखना है, फार्मुलेशन रिक्वायरमेंट क्या है वो भी फार्मेसी ने सेट करनी होती है, कितना फैट चाहिए कितना क्या चाहिए, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम वो आपको बताएगा कि अच्छा ये चीज आपने अलग अलग मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ, अमीनो एसिड आपको अलग से सप्लाई कर रहा हूँ, ये चीज अलग से सप्लाई कर रहा हूँ, विटामिन आपको अलग से सप्लाई कर रहा हूँ, तो आपने ये एट द टाइम एडमिनिस्टर्ड आपने लगाना, अगर पहले आप मिक्स कर देंगे तो क्या होगा स्टेबिलिटी इशू आएगा। स्टोरेज कंडीशन, क्या अगर रखना पड़ जाता तो किस कंडीशन पे उसको रखना है, तो ये सारी चीजें हमें फार्मासिस्ट बताता है। सो आज का लेक्चर एंड हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर लेटेस्ट वीडियो, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।